और हाउसवाइफ, ये देखिए मैंने करेले के बिना पील निकाले ही मैंने छोटे छोटे पीसेस करना स्टार्ट कर दिया है। हम इस तरह करेले के छोटे छोटे पीसेस काट लेंगे, उसके बाद इसमें नमक लगा के इसको आधे घंटे तक रख लेंगे, जिससे कि सारा कड़वाहटपन चला जाएगा। अब ये देखिए आधे घंटे बाद इसने पानी छोड़ दिया है, वो पानी हम फेंक देते हैं और बाकी इसको साफ़ पानी से वॉश कर लेते हैं। साफ़ पानी से वॉश करने में जितना भी थोड़ा सा भी कड़वाहटपन बचा होगा वो भी सारा चला जाता है। इसके बाद हम इसमें कढ़ाई में तेल डाल के इसको फ्राई कर लेते हैं अच्छे से, सिर्फ और सिर्फ करेले को तो तेल में अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा तेल भी डालने की नीड नहीं है, बराबर इसको चलाते हुए चारों तरफ से इसको फ्राई कर लेते हैं। उसके बाद इसको हम अलग कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने प्याज के छोटे छोटे से पीसेस कर रखे हैं बीटर गार्ड पे डालने के लिए। अनियन डालने से पहले जो फ्राइड करेले थे उसको अलग बर्तन में निकाल लेंगे, और उसको मैंने अलग बर्तन में निकाल दिया। दोबारा फिर से मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला है, और उसके बाद आफ्टर डैट आप यहाँ पे सौंफ, मेथी, हींग, राई एंड जीरा से तड़का लगाएंगी। इट मीन्स अनियन डालने से पहले आप उसको कढ़ाई में डालेंगी और अच्छे से फ्राई करेंगे। आप लोग सोचेंगे इसमें नई बात क्या है कि करेला तो हर घर में बनता है, लेकिन जिस तरह से आज मैं आपको बता रही हूँ, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा प्लीज़, तभी आपको समझ में आएगा। उस तरह से करेला आप डेली बना के खा सकती हैं बिना झंझट के और बिना अकड़ाहट के। बच्चे भी बहुत मज़े से खाते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने मस्टर्ड सीड्स भी डाल दिए हैं इसमें। अब इसको अच्छे से धीमी आंच में कलहार लेंगे पूरी तरीके से, और लास्ट में खटाई डालना मत भूलिएगा, खटाई जोर डालिएगा, खटाई से टेस्ट और भी अच्छा रहता है। और ये देखिए मैंने सौंफ डाली है, मैंने हर चीज़ अपने मटेरियल के हिसाब से डाली है। यहाँ पे मैंने 300 ग्राम करेला लिया था, तो उसी के हिसाब से मैंने हर चीज़ डाली है। आप हर चीज़ आपको जितना करेला बनाना है उसी के हिसाब से डालिएगा, लेकिन बहुत कोई चीज़ नहीं डालिएगा, नहीं तो वो अकड़ाने लगेगी और टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। थोड़ी देर तक इसको फ्राई करेंगे, उसके बाद जो बारीक कटा हुआ अनियन मैंने काटा हुआ है, बारीक कटा हुआ अनियन वो इसमें डालेंगे। और करेले में अच्छे से अनियन पड़ता है ज़्यादा मात्रा में, और ऑयल भी थोड़ा अच्छे से पड़ता है, बट बहुत टेस्टी बनता है। उसके बाद अगर आप कम ऑयल डालेंगे तो वो अकड़ाहट भी रहेगी। ये देखिए यहाँ पे बारीक कटा हुआ प्याज मैंने ऑयल में डाल दिया है, और ऑयल हमेशा सरसों का तेल ही यूज़ किया करिए, मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ किया करिए, बहुत ही अच्छा ऑयल होता है हेल्थ के लिए। इसके बाद आप इसमें प्याज डालने के बाद अच्छे से कलहार लीजिए। हल्दी धनिया भी डाल चुकी हूँ मैं तेल में, वो आप लोग भी तेल में डाल दीजिएगा। अब इसको पकने के लिए ढक देते हैं। कुछ देर बाद आप खोल के चेक करते रहिए कि प्याज जलने ना पाए, जहाँ हल्का सा गुलाबी प्याज हो जाए वहीं पे ये करेले जो फ्राइड करेले थे वो डाल दीजिए, और अच्छे से चारों तरफ चलाते रहिए। नेक्स्ट इसमें नमक डाल दीजिए, और नमक डालने के बाद थोड़ी देर ढक दीजिए, और उसके बाद हाथ से चेक कर लीजिए कि करेला पक गया है कि नहीं। जब हाथ से चेक करने के बाद जब करेला पक जाए तब इसमें सबसे लास्ट में खटाई डाल दीजिएगा, और उसके बाद धनिया। करेले की सब्जी में यही खासियत है कि ये डायबिटिक पर्सन को भी के लिए भी फायदेमंद होती है, जो जिनके शुगर है वो भी पेट भर के ये सब्जी खा सकते हैं। करेले में डायबिटिक को कंट्रोल करने के वाले इंसुलिन होते हैं नेचुरल तरीके से, जो डायबिटिक को कंट्रोल करते हैं और वो ब्लड में जाके मिक्स हो जाते हैं। और करेले में डायबिटिक को कंट्रोल करने के लिए नेचुरल तरीके से इंसुलिन कंपाउंड पाया जाता है, जिससे नेचुरल तरीके से डायबिटिक कंट्रोल हो जाता है। इंसुलिन ब्लड में घुल के ब्लड शुगर को कम करती है। और अब ये गरम गरम करेले की सब्जी रोटी के साथ, दाल चावल के साथ, या फिर पराठे और पूड़ी के साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगेगी। सो पावरफुल एंड ब्यूटीफुल लेडीज, कैसा लगा मेरा आज का वीडियो? अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, जो रेड बटन है उसमें क्लिक करिए, और जो बाजू में बेल आइकन है उसको भी प्रेस करिए, तो जब भी मैं अपना वीडियो नया अपलोड करूंगी तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और जितने भी नए व्यूवर्स आए हैं वो भी तुरंत सब्सक्राइब करें, और बहुत से लोग देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब तो कर दीजिए। इसी तरह मैं आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियोस देती रहूंगी। टिल देन बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।